सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मेवाड़ के राजा और इतिहास के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 7 जून 1540 को उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के घर हुआ था। प्रताप ऐसे योद्धा थे जो कभी मुगलों के आगे नहीं झुके। उनका संघर्ष इतिहास में अमर है। आज हम आपको महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ रोचक बात बताने जा रहे हैं। भाला 81 तो 72 किलो का कवच। हकीकत में एक आदमी इतना वजन उठाकर हिल भी नहीं सकता, लेकिन ये सही है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो का था और उनका छाती का कवच 72 किलो का था। उनका भाला, कवच, ढाल और साथ में दो तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। ये आज भी मेवाड़ राजघराने के म्यूजियम में सुरक्षित है। घास की रोटी खाकर गुजारते थे दिन। महाराणा प्रताप ने मायरा की गुफा में घास की रोटी खाकर दिन गुजारे थे। इसका जिक्र कई किताबों के अलावा राजस्थान की लोक कथाओं में। गुफा आज भी मौजूद है। हल्दीघाटी युद्ध के समय इसी गुफा में प्रताप ने अपने हथियार छुपाए थे। यहाँ एक मंदिर भी मौजूद। एक वार से कर देते थे दुश्मन के दो टुकड़े। इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां पर ऐसा वार किया कि सिर से घोड़े तक के दो टुकड़े कर दिए थे। दुश्मन के लिए भी तलवार रखते थे महाराणा प्रताप। महाराणा को शिक्षा माँ जयवंता बाई ने दी थी। वे उन्हीं की सलाह पर दो तलवार रखते थे जिससे निहत्थे दुश्मन को भी बराबरी का मौका मिल सके। हवा में उड़ाता था चेतक। दरअसल ऐसा चेतक गति की वजह से कहा जाता है। जब वह दौड़ता था तो उसके पैर जमीन पर पड़ते दिखाई नहीं देते थे। हल्दीघाटी युद्ध में उसने मान सिंह के हाथी के सिर तक उछलकर पैर रख दिया था। जब प्रताप घायल हुए तो वह 26 फीट लंबे नाले को लांग गया। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।